कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको कहेंगे खुश आमदीद और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रुझान कच्चे इमरानी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, इलीट फोर्स का जवान जख्मी, कच्चे के दाखिले और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तायुना। मंडी बावदीन में सीआईए पुलिस की कार्रवाई, बैनुल इजलाई डकैती और राहजानी की दर्जनों संगीन वारदातों में मतलूब हेडमिनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद। मुल्तान गुजरावाला सियालकोट समेत पंजाब भर में लाहौर हाईकोर्ट वाकये के खिलाफ वकला की हड़ताल, मुकदमात की समाअत मुलतवी, साइलाइन को मुश्किल का सामना। सादकाबाद में 6 माह से तनख्वाहों से महरूम वाटर प्लांट ऑपरेटर सरापे एहतजाज, हड़ताल के बाद शहरी पीने के पानी से महरूम हो गए। टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के खाकरोब 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापे एहतजाज, खाकरोबों की हड़ताल के बाद अस्पताल में गंदगी के ढेर लग गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पंजाब भर की मवेशी मंडियों में गहमी बढ़ गई, सियालकोट की मवेशी मंडी में मिट्टू नामी बैल के चर्चे, मुल्तान में बबलू नामी बैल की धूम। चकवाल में 3 रोजा जश्न आजादी फैमिली फेस्टिवल इख्तिताम पजीर, रंगारंग प्रोग्रामों ने आवाम के दिल मोह लिए, आखिरी रोज गुलकारों की गायकी ने समा बांध दिया। कश्मीर की मोबाइल मार्केट में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, नामालूम मुसल्ला फरार ताजर से लाखों लूट कर फरार, मुजाहमत पर दुकानदार को जख्मी कर दिया। हैदराबाद शहर में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गए, सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। ईद उल अजहा के करीब आते ही जैकबाबाद की मवेशी मंडी में रश बढ़ गया, सिंध बलोचिस्तान और पंजाब से लाए गए कुर्बानी के जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज, इंतजामिया की जानिब से सहूलतों का पुख्ता। बलोचिस्तान में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट, मुकदमात की समाप्त ना हो सकी, साइलिन को मुश्किलात का सामना, वकला का कहना है इस झगड़े को खुश असलूबी से हल किया जाए। जाफराबाद और डेराला यार में दाखिला मुहिम शुरू, जाफराबाद में वॉक, डेराला यार के सरकारी स्कूल में तकरीब का इनकार। कर्दू में जिले इंतजामिया की जानिब से 3 रोजा सकाफती मेले का इनकाद, आखिरी रोज कदीम रवायती खेल कश्ती रानी के मुकाबले, खेल देखने के लिए मशहूर झील जरबा जीहू पर शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे खबरों पर सुबह पंजाब की। राजनपुर की तहसील रुझान के इलाके कच्चा इमरानी में पुलिस और डाकुओं के माबेन फायरिंग का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है, डाकुओं की फायरिंग से इलीट फोर्स का जवान जख्मी हो गया, पुलिस के मुताबिक कच्चे के दाखिले और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी भी तायुनात की गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद अली आमिर हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली आमिर बताएगा, डाकुओं की फायरिंग से इलीट फोर्स का जवान भी जख्मी हुआ। कच्चा रुझान मकाम पर एलर्ट फोर्स और पुलिस के जवान जा रहे थे,
छुपे हुए डाकुओं पर फायर कर दी, जिसके एक नौजवान सिकंदर जख्मी हो गया। गुज़श्ता इतवार के दिन भी इसी इलाके से 7 पुलिस अहलकारों को अगवा कर लिया गया था, जिनके बाद पुलिस से मुलाकात करने के बाद डाकू के 3 अहम डाकू छोड़ने पर और 7 पुलिस अहलकारों ने छोड़ दिए थे। पुलिस यहाँ पे बस है, यहाँ डाकू राजा, इलाके में खौफ हरास है, कोई यहाँ कानूनी डाकू अपनी मर्जी का वहाँ लूट मार कर है, कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस वहाँ पे बस है जी, कोई पूछने वाला नहीं। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोधा से आपको ताजा खबर दें, पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए कार चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। छीनी गई गाड़ियां और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 9 गाड़ियां सरगोधा, 10 गाड़ियां ननकाना, शेखुपुरा और मंडी भाउद्दीन से चोरी की गई थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान शेख। उस्मान शेख बताएगा कार चोर गैंग पकड़ा गया, क्या अपडेट है? जी उसामा, बिल्कुल ये सरगोधा में पुलिस ने एक तो बहुत अच्छी कारकर्दगी उनके सामने में आई है। काफी अच्छे से जो ये कार चोर गैंग है ये सरगर्म था सरगोधा में, जिसमें सरगोधा में तकरीबन 9 से जायद कारें और जो दिगर से शहरों से भी कारें चोरी की थी। आज सरगोधा ने 7 रुकनी गैंग को जो है गिरफ्तार कर लिया और उनसे कम से तकरीबन 19 कारें जो है बरामद कर ली है और कारें जो नवाकीन थे उनके जो असल मालिक थे उनके हवाले कर दी गई है और पुलिस को अवाम की जानिब से इस जो सरगर्मी है उसे बहुत ज्यादा पहचान मिल रही है और अवाम का यही कहना है कि पुलिस की ऐसी अच्छी कारकर्दगी जो है वो मजीद सामने आनी चाहिए जी, मजीद सामने आने चाहिए। उस्मान बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मंडी भाउद्दीन का, जहां पर सीआईए पुलिस ने बैलून लेजराय डकैती और राजधानी की दर्जनों संगीन वारदातों में मतलूब गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ मंडी भाउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बैरून मुल्क फरार होने वाले गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। डाकुओं के कब्जे से 10 लाख रुपए की मसरूका नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। उनका कहना था कि पुलिस का फर्ज है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत करे, माल मसरूका को मालकान के सुपुर्द कर दिया गया है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने मजीद कहा कि डाकू डकैती और राजधानी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। नारोवाल से खबर आपको दे, जहां पर 2 हफ्ते कबल मदरसे से मुबैना तौर पर जहरीली चीज खाने वाले दोनों जुड़वा भाइयों की हलाकत पर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। वर्सा सरापा एहतजाज बन गए हैं और इसी बारे में मजीद तफसीलात क्या हैं आपको बताएं कि वजह कोटली प्लाट के मदरसा में मौजा किंग के रिहायशी शबीर अहमद के 2 बेटे 12 साल अफाद और हमाद कुरान हिफ्ज कर रहे थे। कोटली प्लॉट के मदरसा में मौजा कंग के रहायशी शबीर अहमद के 2 बेटे 12 साल फहद और हमाद कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे, जिन्होंने मदरसे से मुबैना तौर पर कोई जहरीली चीज खा ली, जिससे दोनों की हालत गैर हो गई और उन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां दोनों जुड़वा भाई यके बाद दीगरे दम तोड़ गए। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गयी, जिस पर वर्सा सराफा एहतजाज है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है की उनके बच्चों को बदफेली के बाद जहर देकर मारा गया, वो इंसाफ के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा भी इंसाफ होना चाहिए, असि गरीब बंदे आ, साडा कोई आसरा नहीं है, साडा बुरा किया न काम, असं इस करके नहीं बच्चे दाखिल कराए पे, साडू ना साडा को व्यार कमा लेगा। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, मैं मां है, मैं तड़फ नहीं आ, वो भी तड़फ है जिन्हें मेरे बच्चे मारे ने। साडी खबर नहीं ली ना सप्ताह उन्हां दा कारी मदरसा उन्हां दा हर चीज उन्होंने मुल खरीद ली, साडे बच्चे बेइंसाफ मारे ने। जान बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देते हुए फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। गुजरावाला से आपको खबर दें, गुजरावाला में मस्जिद से सामान चुराने वाले 4 नन्हे चोर रंगे हाथों पकड़े गए। अवाम ने सड़क पर अदालत लगा ली है, तशद्दुद के बाद बच्चों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात है, तनवीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भट्ट बताएगा ये जो नन्हे चोर गिरफ्तार हुए हैं इनकी उम्र क्या है? ये 10 से 12 साल के बच्चे हैं, ये था दुल्हे का इलाका शरीफपुरा, वहां से अल सुबह ये 4 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। इन्होंने जो मस्जिद के बाहर लोहे की धात से बने हुए जो उन्होंने रखे हुए हैं बॉक्स, जिनमें लोग चंदा जमा करते हैं, उन्होंने जो इनको तोड़ा, उनके ताले तोड़ के अहम रात से ये वहां से भाग रहे थे। शहरियों ने उनको पकड़ लिया, पहले तो ये मान लिए थे, जब इन बच्चों पर तशद्दुद किया गया, उनकी शिकायत की गई तो बच्चे मान गए। उसके बाद इलाका वालों ने थाना खुले पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने आके इनको हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। वहां पे इन बच्चों ने इंकशाफ किया, ये इससे पहले जो है वो शादी हाल में लोगों की वहां पे चोरियां किया करते थे, चूंकि वहां पे सख्ती हो गई है इसलिए ये बच्चे कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमने मस्जिद के 4-5 जो गले हैं वहां से पैसे चोरी किए हैं जी। गुजरावाला में पुलिस ने नन्हे चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तनवीर भट्ट बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान में वकला का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। वकला की हड़ताल के बायस मुकदमात की समाअत ना हो सकी, साइलीन मायूस घरों को लौट गए। मुल्तान में आज 29वें रोज भी वकला की हड़ताल रही, जिससे हजारों मुकदमात की समाप्त ना हो सकी। दूर दराज से आने वाले साइलीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो अपने मुकदमात की आइंदा तारीखें लेकर वापस घरों को लौट गए। वकला ने बहरहाल में एहतजाजी जलसा किया और डिस्ट्रिक्ट बार से चौक कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली। हाथों में स्याह परचम थामे और नारेबाजी करते हुए वकला ने चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला भी शरीक हुए, जिन्होंने एतजाज एहसन, फवाद चौधरी और दीगर वकला को भी तनकीद का निशाना बनाया। वकला की तरफ से डंडे भी तैयार किए गए थे ताकि पुलिस की तरफ से किसी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में मुकाबला किया जा सके। ऐलान के बावजूद हाईकोर्ट पार्क के सदर शेर जमान कुरैशी एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए न पहुँचे। पुलिस ने चौक कचहरी के चारों अतराफ रोड बुला किए रखे, जिसकी वजह जैसे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वुमेन यूनिवर्सिटी और करीबी तालीमी इदारों के तुलबा व तालिबात परेशान रहे। कानून के मुहाफिज वकला का फर्ज है कि वो मामला इफामो तफीम से हल करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। लाहौर हाईकोर्ट वाक्य के खिलाफ पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी वकला की हड़ताल के बाइस केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मुल्तान हाईकोर्ट बार के सदर के वारंट जारी करने का मामला शिद्दत इख्तियार करने के बाद मामला मजीद बिगड़ गए हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी वकला अदालतों में पेश न हुए। मुकदमात की समाअत ना होने की वजह से दूर दराज के इलाकों से आए साइलीन को मुश्किल का सामना है। वकला का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक अदालतों में पेश नहीं होंगे। अभी आपको लिए आपको बताएंगे, सदर मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन शेर जमान से इजहार यकजहती के लिए सियालकोट में वकला ने अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। हड़ताल के अदालतों में जेर समात 5000 से ज्यादा फौजदारी व मुकदमात की समात ना हो सकी। सियालकोट डस्का पसरूर और संबड़ियाल की कचहरियों में वकला ने अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। अदालती बायकॉट के मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पुलिस एहलकारों ने साइलीन की तलाशी लेती रही। वकला की अदालती बायकॉट की वजह से सेशन और सिविल कोर्ट्स और इलाका और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में मुकदमात की समाअत ना हो सकी। सादकाबाद में 6 माह से तनख्वाहों से महरूम वाटर प्लांट ऑपरेटर सरापे एहतजाज हैं। वाटर प्लांट ऑपरेटर्स की हड़ताल की बाइस शहरी पीने के पानी से महरूम है। सादिकाबाद में वाटर प्लांट ऑपरेटर्स ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गयी, जिसके बायस उनके घरों में नौबत फाखों तक पहुँच गयी है। उन्होंने कहा कि 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। हुकूमत अपना वादा पूरा करे, हमारा हक हमें दिया जाए। बराए मेहरबानी हम आपसे राबता करते हैं, किस कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम MPA साहब के पास भी गए हैं, अपने बड़े जो हुक्मरान है उनके पास भी गए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। 14 अगस्त गुजर गई, आगे भी ईद आ रही है, लोगों ने खुशियां की, लेकिन हम खुशियां करने के बजाय अपने ही घर में मातम करते हैं। मुजाहिदीन ने धमकी दी है कि अगर ईद से कबल वाजिबात अदा ना किए गए तो कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देंगे। दूसरी जानिब 4 दिन से वाटर फिल्टर प्लांट को ताले लगे हैं, जिसकी वजह से शहरी पीने के पानी से भी महरूम है। रहमी खान में मवेशी मंडी सूबाई हुकूमत लगाएगी या मकामी इंतजामिया फैसला ना हो सका। ईद की आमद आमद है, लेकिन शहर में ताहाल मवेशी मंडी का क्याम अमल में ना आ सका। महकमे सेहत और महकमे लाइफ स्टॉक भी खामोश, कांगू वायरस से आगाही का कोई प्रोग्राम भी शुरू ना कर सका। मजीद क्या तफसीलात हैं रहमी खान से देखते हैं जावेद अब्बास चौधरी की रिपोर्ट। ईद अल अजहा चंद दिनों की दूरी पर है, लेकिन मवेशी मंडी सूबाई हुकूमत के जेर इंतजाम लगेगी या बल्दिया के, ताहाल फैसला ना हो सका। शहरी दूर दराज के इलाकों में हफ्तावार मवेशी मंडियों में जाने पर मजबूर हैं और इन मंडियों में कीमतें हैं कि आसमान को छू रही हैं और फरोख्त करने वाले मुनासिब कीमत न मिलने का रोना भी रोते नजर आ रहे हैं। रहीमयार खान से इस वक्त कोर्ट समापे आए हुए जानवर खरीदने के लिए, क्योंकि रहीमयार खान में इस टाइम मंडी नहीं लगी, लेकिन कोर्ट समापे में रेट जो है बहुत ही हाई है और लगता है कि सुन्नत बिरहमी जो है वो बड़ी मुश्किल से अदा होगी। खरीद आ रहे हैं और हमारे को जितनी कीमत है उतनी कीमत में हमारे को दे नहीं रहे बछड़े।
क्योंकि रेट बहुत कम बता रहे हैं, हमने 2-2.5 साल सामने। दूसरी तरफ मंडी ना लगने की वजह से जानवर बेचने वाले व्यापारी टोलियों की शक्ल में शहर भर में घूमकर अपने जानवर बेच रहे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं और खासकर कांगो वायरस, जिसके फैलने का खदशा नजर आ रहा है। महकमा सेहत और महकमा लाइफ स्टॉक खामोश तमाशाई है, कोई हिफाजती इंतजाम इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहे। हम यहाँ पर खरीदारी करने आए तो यहाँ पर हमने देखा है जो कीमत 20,000 रुपये का जानवर होना चाहिए तो उसकी 60,000 रुपये मांग रहा है, तो अभी हम 20,000 रुपये जेब में रख के लाए तो 60,000 वाला जानवर कैसे खरीद सकते हैं। इख्तियारात की जंग है या इंतजामी ना अहली, लेकिन मंडी ना लगने से अहलियाने रहीम यार खान सख्त परेशान हैं कि अब सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कैमरामैन हमजा गफ्फार के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज, रहीम यार खान। और अब बात हो जाए अहमदपुर शरकिया की, जहां ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियां सज चुकी हैं। हर साल की तरह अमसाल भी कुर्बानी का जानवर आम आदमी की पहुंच से दूर ही दिखाई दे रहा है। कमर तोड़ में गाय सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में रुकावट पैदा कर रही है। अकरम जफरी की रिपोर्ट। अहमदपुर शरकिया में बकरा ईद के करीब आते ही जानवरों के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसके बायस कुर्बानी का जानवर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। कुर्बानी का ख्वाहिशमंद मुसलमान महंगाई के आगे बेबस नजर आता है। मवेशी मंडियां सस्त हो गई हैं, लेकिन जानवरों के निर्ख आम आदमी की पहुंच से दूर दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत अमसाल बहुत ज्यादा है। छोटे जानवर की कीमत 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक, जबकि बड़े जानवर की कीमत 1,00,000 रुपए से शुरू होती है। आवाम का कहना है कि हर साल कुर्बानी करने को चाहता है, मगर महंगाई राह में हायल हो जाती है। अब अभी आपको लिए एक ऐसे ही नौजवान ने कई एक बरस से खूबसूरत जानवर खुद पालकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का इरादा कर रखा है। उन्होंने साहिवाल नस्ल का बबलू नामी बैल पाला है, जिसका वजन 40 मन बताया जाता है। उसका कहना है कि वो बबलू को दूध, मक्खन, बादाम और मुरब्बा जात खिलाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं, मुल्तान से इजाज़ तरीन की रिपोर्ट देखिए। जी, ईद कुर्बान के लिए कुछ लोग जो है वो अपने जानवरों को खुद पालते हैं। अक्सर लोग मवेशी मंडियों से जानवर खरीदते हैं, लेकिन जो लोग जानवरों को पालते हैं, इन्हें वो मोहब्बत से पालते हैं। इस वक्त एक बबलू नामी बैल जो है उसके साथ हम हैं और उसका मालिक भी मौजूद है। बबलू नामी बैल का जो वज़न है वो 40 मन है। आइए इसके मालिक अज़र से पूछते हैं कि ये इस बैल को किस तरह पालते हैं और इसे क्या क्या खिलाते हैं। जी अज़र भाई बताएँगे। जी, ये हमारा इस बैल का नाम है बबलू और इसको हम 4 साल हो गए हैं। इसको अपने हाथों से हर चीज़ खिलाते हैं। इसको मक्खन, दूध, दही, मुरब्बे वगैरह, बादाम वगैरह हर चीज़ खिलाते हैं इसको। हम इसको दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और ईद उल अज़हा के लिए हम इसको तैयार करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यानी कि कुर्बानी पे इसको ज़िबा करते हैं। हम इसको हम बहुत ही प्यार से पालते हैं हम इसको। जी, बबलू नामी बैल के मालिक का कहना था कि वो इसे अपने बच्चों की तरह पालता है और इस पर खूब मेहनत करता है और फिर सुन्नत इब्राहिमी की। बहुत शुक्रिया इजलाजीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सियालकोट की मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए लाए बैल मिठू के चर्चे ही हैं। भारी भरकम खूबसूरत बैल मिठू कीमत में भी अपना कोई सानी नहीं रखता। मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद उसे देखने के लिए आ रही है। चलते हैं इमरान सयाल की जानिब और मजीद उनसे जानते हैं। इमरान बताएगा इस मिठू के बारे में। जी बिल्कुल, ईद अज़हा के करीब आते ही शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त अकबराबाद की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो है वो व्यापारी आए हुए हैं और यहाँ पर हर तरफ जो है बाहरी से आए हुए मिट्ठू का चर्चा है, जिसका वज़न तकरीबन 30 मन है और उसका जो है सौदा व्यापारी और शहरी के दरमियान जारी है। जानते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची है। जी भाई जान, आप बताइएगा कि आपने मिट्ठू की क्या ऑफर दी है। हमने 6,00,000 रुपये ऑफर दी है जी मिट्ठू की। मिट्ठू वाकई मिट्ठू है, इसलिए हमने 6,00,000 रुपये इसकी ऑफ़र की है, लेकिन व्यापारी मान नहीं रहे। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम इसके ख़रीदार हैं, मिठू हम लेना भी चाहते हैं, हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं हमसे ये 6,00,000 रुपये ले लें। जी, व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इतनी ज़्यादा कीमत इसकी क्यों मांग रहे हैं। जी जी, 10,00,000 रुपये लेना है जी। ना तो मिठू रखे जी, मैं शौक दा जी, मैं मक्खना नाल और वंडे नाल और दुध इन पिलाना जी, चूरियाँ खवाना जी, खुराक जो दुनिया दी है इन पाई है जी। और जो है ना ये इंशाल्लाह जो है ना बहुत खूबसूरत शहर जी, तुम देख सकते हो,
और 10 लाख रुपया लेना जी। अल्लाह ख्याल करे। जैसा कि व्यापारी का कहना है कि मैं मिठू को बादाम खिलाता हूं और चूड़ी देसी घी की भी इसको खिलाता हूं और मेरी जो डिमांड है वो जायज़ है। अब देखता ये है कि ये मिठू किसके हिस्से आता है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। चकवाल में जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मकामी गुलकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिया। चकवाल में 3 रोजा जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कपड़ों, ज्वेलरी और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे। रंगारंग प्रोग्राम्स ने अवाम के दिल मोह लिए। आखिरी रोज नामवर फनकारों ने मजाहिया खाके पेश किए और मुकामी गुलकारों ने इलाकाई गीत पेश किए जिन्हें सुनकर हाजरीन झूम उठे। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद खुशाइंद है। हम लोग पिंडी से आए हैं ड्रेसेस लेके, मेरे पास बच्चों के भी हैं और बैग्स हैं, बड़ों के भी ड्रेसेस ऑन स्टेज भी। ये फर्स्ट टाइम है हम लोग इधर चकवाल में और एमरल इवेंट्स के साथ हम कर रहे हैं। यहाँ पे जश्न आज़ादी फेस्टिवल में आया हुआ हूँ और फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आए हैं फैमिली के साथ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ, ख्वातीन हैं और एमरल वालों ने जो चकवाल में एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया है वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल में तीनों दिन अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुंतजमीन का कहना था कि जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद अवाम को तफरीह फराहम करने के साथ साथ उनको जश्न आज़ादी में शरीक करना भी है। हम लोगों ने एक दफ़ा फिर फैमिली फेस्टिवल मुनद किया है चकवाल के लोगों के लिए, चकवाल की फैमिलीज के लिए, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि इस एरिया में इस तरह की सेहतमंद एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा। स्टॉल्स मालिकान और फनकारों का कहना था कि उनकी पजीराई के लिए सरकारी सरपरस्ती में भी ऐसी तकरीबात का इनेकाद होना चाहिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में तरक्याती फंड्स मिलने के बाद तरक्याती काम तो जारी हैं, लेकिन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और काम मुकर वक्त पर मुकम्मल ना होने पर शहरी नाला नजर आते हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स मिलने के बाद तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई और तजयीन व आराइश का काम शुरू करवा दिया गया है। अफंदी टाउन, गुडस नाका समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। ताहम ठेकेदार फंड्स जारी होने के बावजूद नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि काम सुस्त रवि का शिकार है जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड जो पिंजापुर से लेके 3 नंबर तालाब तक है 2.5 से 3 महीने हो गए हैं। इसको बनाने में इतनी सुस्ती कर रहे हैं, ये रात को आते हैं 3 घंटे यहाँ पर लगाते हैं ये और छोड़ के चले जाते हैं। से अपील है कि भाई ये चेक किया जाए, वो रात में काम कर रहे हैं और दिन में भी काम नहीं करते। वो पता नहीं कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, आधे घंटे काम करते हैं वो और फिर वो गायब हो जाते हैं। मटेरियल के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मौजूदा वक्त के ठेकेदार आते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और बिल्कुल ख़राब काम कर रहे हैं। इसमें इतना ज़्यादा नाकिस मटेरियल डाला जा रहा है कि रात के अंधेरे में, रात की शब तारीख के अंदर सिर्फ ये 2 से 3 घंटे काम किया जाता है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से कई इलाकों में सड़कें तामीर का काम मुकम्मल होने से कबल ही टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इंतजामिया करप्शन का नोटिस ले और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद से खबर शामिल करें जहां पर जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गई हैं। गली मोहल्लों और सड़क किनारे कुर्बानी के जानवर फरोख्त होने लगे। सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। सिंध के गुंजान आबाद शहर हैदराबाद में व्यापारियों ने गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम कर रखी हैं। गली मोहल्लों और सड़क किनारे जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। इसी तरह ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। व्यापारियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से शहर से बहुत दूर मंडी कायम की गई है, जिसके रास्ते में लूट मार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं, इसीलिए वो शहर में ही जानवर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। बल्दिया को चाहिए कि शहर के बीच में मंडी लगाई जाए, क्योंकि आवाम को हर चीज़ से सहूलियात मिलनी चाहिए। मंडी अपने यहीं लगनी चाहिए और लतीफाबाद वालों के लिए तो काफ़ी दूर पड़ रही है और ये है कि लुटने लुटाने का भी खतरा है,
لہٰذا یہ ہے کہ گزارش ہے حکومت کو کہ یہیں میں منڈی لگائیں۔ ویوپاریوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ شہر کے قریب ہی مویشی منڈی قائم کی جائے تاکہ شہری آرام سے جانوروں کی خریداری کر سکیں۔ کراچی سے خیبر کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔